आज हम शुरू करेंगे नवी कक्षा की हिंदी का लेखिका का दूसरा लेसन। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। ये जो लेसन है इसमें लेखिका ने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए भी कैसे लीक से हटकर जिया जाता है। लेखिका की एक नानी थी जिसे उसने देखा नहीं था, क्योंकि लेखिका की माँ के विवाह से पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका की नानी एक परंपरागत अनपढ़ तथा पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। नाना शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे और लौटकर विलायती ढंग के जीवन जीने लगे थे, जबकि नानी अपने ही ढंग से ही जी रही थी। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने पति पर व्यक्त नहीं की थी। जब नानी मरने वाली थी तो उन्हें अपने 15 वर्षीय अविवाहिता बेटी, जो कुंवारी थी बेटी, बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी थी। तो उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने पति से कहा कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब उनके इस कथन से हैरान से थे, पर नाना ने उन्हें प्यारेलाल शर्मा से मिलाया तो नानी ने उनसे वचन ले लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। नानी की मृत्यु हो गई, परंतु लेखिका की माँ का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से हुआ जिसे ICS की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया गया था कि वह स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेता था। लेखिका की माँ बहुत ही कोमल तथा सुकुमारी महिला थी। उन्हें अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी, परंतु वे इसी बात से प्रसन्न थे कि उनके समधी पक्के साहब थे। लेखिका की माँ की सुंदरता, नजाकत, गैर दुनियादारी और ईमानदारी का भी इस परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ा था। उसमें उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड़ प्यार आदि पर ध्यान नहीं देती तथा बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थी। वे बीमार रहती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बहुत ही रुचि थी। परिवार वाले उनसे कुछ नहीं कराते थे, कहते थे, क्योंकि वे साहबी परिवार से थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात, जो सीक्रेट बात होती थी, वो किसी दूसरे को नहीं बताती थी। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों से आदर मिलता था तथा बाहर वालों से मित्रता या स्नेह मिलता था। वे लेखिका तथा अन्य बच्चों को की भी मित्र थी तथा माँ के सारे काम लेखिका के पिता निभा देते थे। उनके पत्रों को भी घर में कोई नहीं खोलता था। घर में सबको अपना निजत्व, अपनी सीक्रेसी बनाए रखने की पूरी छूट थी। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थी। उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास 2 से 3 धोतियाँ हो जाती थी तो वे तीसरी दान कर देती थी। उन्होंने लेखिका की माँ के पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर संतान लड़की की कामना की, मतलब पहली जो संतान थी वे लड़की होने की मन्नत मांगी थी उन्होंने, जबकि सभी पहली संतान लड़का चाहते थे। उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी व्यक्त कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि माँ ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि मेरी परदादी के भगवान जी से सीधे तार जुड़े हुए हैं। एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे तथा औरतें रतजगा मना रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस गया तो उसने पूछा, कौन है? उत्तर जी में मिलने पर परदादी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और लोटा पकड़ा दिया। उसने कहा, मैं तो चोर हूँ। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने के लिए भेज दिया। परदादी ने उसे कुएं पर देखकर पकड़ लिया तो पहरेदार ने उसे कुएं पर देखकर पकड़ लिया तो परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पीकर शेष उस चोर को पिला दिया और उसे अपना बेटा कहकर चोरी छोड़कर खेती करना की सलाह दे दी। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु टाइफाइड के कारण नहीं जा सकी। किस कारण नहीं जा सकी थी? क्योंकि वह बीमार थी, इसलिए वह वहां पर नहीं जा सकी। कौन सी बीमारी हो गई थी उनको? टाइफाइड। उस समय वह 9 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष की। वह रोने लगी तो उसे पिता ने ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। पुस्तक पढ़ने का लेखिका को विशेष शौक था। वह रोना छोड़कर पढ़ने लगी। इस पुस्तक का बच्चों पर होने वाला अत्याचार, अनाचार का अध्याय उसे कंठस्थ हो गया था। कंठस्थ में तो याद हो गया था। लेखिका और उसकी चारों बहनें भी लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई और सदा लीक पर चलने से
इनकार ही करती रही। पहली लड़की से लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। ये उनका विवाह के बाद लेखिका बनने का नाम था। लेखिका का घर का नाम उमा था, परंतु साहित्य जगत में मृदुला गर्व हुआ। लेखिका से छोटी का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, पर वह लिखती नहीं थी। चौथी रेणु और पांचवी अचला। इन पांचों के बाद भाई पैदा हुआ, जिसका नाम राजीव रखा गया। अचला और राजीव भी लिखते हैं। अचला अंग्रेजी में लिखती थी, परंतु राजीव हिंदी में ही लिखता था। इन चारों का लिखा परिवार में सभी पढ़ते हैं, परंतु लेखिका को उसके ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इससे वह प्रसन्न है कि घर में तो कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं थी। चौथी बहन रेणु कार में बैठना सामंतशाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस अड्डे से घर पैदल आती थी, जबकि अचला गाड़ी में बैठकर आती थी। रेणु ने बचपन में एक बार चुनौती दी जाने पर जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे गया था। तब से आसपास के सभी बच्चे उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। स्कूल कक्षाएं तो उसने पास कर ली थी, परंतु बीए की परीक्षा न देने के लिए वह अड़ गई कि बीए करने से क्या लाभ है, मतलब बीए करने का फायदा क्या है। उसे बीए करने में नौकरी मिल पाने, समाज में सम्मान पाने आदि के तर्क भी बीए करने के लिए दिए गए के लिए प्रभावित ना कर सके, तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए पास किया। सच बोलने में तो वह माँ से भी आगे थी। किसी की भेंट भी उसे अच्छा नहीं लगती थी, मतलब भेंट जो कोई उसको कोई गिफ्ट वगैरह देता था उसे भी अच्छी नहीं लगती। यदि कोई उसे इत्र भेंट करता था तो वह कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो रोज नहाती हूँ। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा थी, वह कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी, इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे। उसने विवाह का निर्णय भी उसने स्वयं कर लिया, स्वयं एक लड़के को पसंद करके किया था, जबकि उस लड़के के माता पिता तथा लेखिका के माता पिता को भी यह पता नहीं था। उसने उस लड़के को पहली मुलाकात में ही अपना निर्णय बता दिया था और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला पिता के कथनानुसार अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनकी इच्छा के अनुसार विवाह किया था। वह भी परंपरा के अनुसार न चलकर 30 वर्ष की होते ही लिखने लग गई थी। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा, जहां फिल्म देखते हुए भी स्त्री पुरुष की को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। वह वहां दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर गई थी। उसे नाटकों में अभिनय करने का शौक था। वहां उसने साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उसने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। उसने अपनी जिद से ही आगे चलाया था। वह स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंच पाई थी। उदाहरण स्वरूप 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी, सब यातायात ठप था। रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई थी। सबने उसे समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। स्कूल फोन था पर फोन भी ठप था। किसी का कहना न मानकर वह पैदल ही स्कूल चल दी। वह सड़क पर फैले पानी में चलकर 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद देखकर 2 मील चलकर वापस घर पहुंची। सबने उसे कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था। उसने इसे भी नहीं माना। लेखिका को लगा कि रेणु का इस प्रकार पानी में लबालब करते सुनसान शहर में निपट अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना इस अकेलेपन का मजा ही और था। तो ये यहाँ पर इसके लेसन का मैंने आपको सार बता दिया है। नेक्स्ट अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर जो करने हैं वो ये आएंगे यहाँ पर, यहाँ से है ये।
जैसे लेखिका ने अपनी नानी को देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, क्योंकि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, परंतु अपनी नानी के व्यक्तित्व के संबंध में उसने जो कुछ भी सुना था उससे वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी। उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली स्त्री होते हुए अपने विलायती ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले बैरिस्टर पति के साथ जीवन बिना किसी शिकवे शिकायत के व्यतीत कर रही थी। मरने से पहले उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से वचन लिया कि वे उनकी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। उनके इन्हीं क्रांतिकारी कदमों ने लेखिका को प्रभावित किया था। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, सारे क्वेश्चन आपको कॉपी पर करने हैं। जैसे लेखिका की माँ का निर्वाह न करते भी सबके दिलों पर राजगत थी, इस कथन के आलोक मतलब इनके आधार पर एक क्वेश्चन लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्दचित्र प्रस्तुत कीजिए। फिर है, परदादी ने पोतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जैसे कि हम पढ़ा था कि बीए की परीक्षा देने पर अड़ गई थी कि पहले मुझे बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तो ही मैं बीए करूंगी। सबने उन्हें अनेक तर्क दिए पर वे नहीं समझी। पिताजी ने समझाया कि बीए करके ऊंची उसे नौकरी मिल सकती है, अच्छी शादी हो जाएगी, समाज में सम्मान मिलेगा आदि, यह सब ले लूंगा। उस समय पिताजी को भी अच्छी नहीं लगी। तब पिताजी ने उससे कहा कि बीए करना करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार सहज भाव से कहने पर रेणु ने बीए पास कर लिया। अतः स्पष्ट है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की अपेक्षा सहजता से किसी से भी कोई कार्य कराया जा सकता है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। पाठ के आधार पर लिखो कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सच अकेलेपन का ही मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर ये पूरा लेसन हो जाएगा, तो ये आपको क्वेश्चन कॉपी पर अटेम्प्ट करने हैं।